अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ हूं आफताब सिफी और मेरे साथ है समीर। दोस्तों साइंस बेस्ट 10 के पार्ट 5 में आप सीखेंगे दुश्मन अगर आपको रोड फाइट में इस तरीके से भागते हुए आता है और इस तरीके से ग्रिप करने के बाद इस तरीके से अटैक करता है तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रोड फाइट में जब दुश्मन भागते हुए अचानक आता है तो चैट सी बात है, वो डायरेक्ट नहीं मारता है, सबसे पहले ग्रिप करता है लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से अटैक करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंड से अटैक करते हैं, लेफ्ट बहुत ही कम होते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, देख ऐसे ग्रिप करता है और डायरेक्ट अटैक करता है। देखिए आपको क्या करना है, इस हैंड से ब्लॉक लेना है इस तरीके से, अटैक इस तरीके से, और आपको क्या करना है इस तरीके से ग्रिप कर लेना है और इस तरीके से ग्रिप करना है, शोल्डर बंद ले रहा है और पुश कर देना नीचे पूरा लोग लगा के। थोड़ा स्लो मोशन में देख लेते हैं एक बार, स्टेप वन ग्रिप, स्टेप टू अटैक, एंड हमें यहां से इससे इस वाले हाथ से इस तरीके से रोकना है इसको, उसके बाद यहां से तुरंत ग्रिप कर लेना है। देखिए स्पीड देखिए थोड़ा सा, अटैक तुरंत एंड लो, और उसके बाद तुरंत इस हाथ को उठाना है ऐसे और तुरंत लॉक लगाना है, नीचे कर देना है। और देखिए यहां से जितना नीचे करेंगे उतनी इसे पेन होगा, यहां से शोल्डर भी ब्रेक हो सकता है। थोड़ा स्लो मोशन में आपको दिखा देता हूं, स्टेप वन ग्रिप, स्टेप टू अटैक, और हमें क्या करना है इस हैंड से इस तरीके से ग्रिप कर लेना है, पहले ड्रॉप करना है फिर ग्रिप कर लेना है, दुश्मन के हाथ को पकड़ लेना है, उसके बाद राइट हैंड से इस तरीके से हम लोग को अटैक करना है और इस तरीके से अंदर घुसना है और तुरंत हमें नीचे की साइड इस तरीके से घुस जाना है। यस, थोड़ा फास्ट देख लेते हैं, 1 2 3। दोस्तों इधर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पार्ट 5, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्द मिलेंगे पार्ट 6 में, फिलहाल इजाजत, जय हिंद।